बीच अल्मोड़ा से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर बाराती से लौट रही मैक्स 300 मीटर खाई में गिर गई और चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। आठ लोग गंभीर रूप से जख्मी हैं। आपको बता दें, ये खबर आ रही है जहां पर सड़क हादसे में चार की मौत हो गई है जबकि आठ लोग गंभीर रूप से जख्मी हैं। सभी जख्मी को घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। तो बारात लेकर जा रही मैक्स गाड़ी खाई में गिरी, हादसे में चार की मौत हो गई है, आठ लोग गंभीर रूप से जख्मी हैं। एक बार आपको फिर से बता दें कि सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। तो बड़ी खबर अल्मोड़ा से आ रही है, जहां पर चार लोगों की मौत हो गई है। शेराघाटी थाना क्षेत्र का यह मामला है, जहां पर और सीधी तस्वीर दिखाएंगे हम आपको के न्यूज पर। देखिए किस तरह से मैक्स 300 हरे खाई में गिर गई, जिसके बाद यह हादसा हुआ। चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है, आठ लोग गंभीर रूप से जख्मी हैं। कुछ लोगों को हल्की चोटें आई है, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद अस्पताल से घर भेज दिया गया है, लेकिन कुछ लोग गंभीर रूप से जख्मी हैं। और नसीम अहमद, जो कि हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं अल्मोड़ा से, नसीम अहमद, कितने बजे की घटना है और जो जख्मी लोग हैं क्या हालात हैं? जी, मैं बताना चाहूंगा सर कि लगभग ये रात्रि 8:30-9 बजे के आसपास की घटना है। जो अल्मोड़ा से बारात गई थी शेराघाट को, वो कल रात्रि वहां से वापस आ रही थी। तो अल्मोड़ा से लगभग 40 से 50 किलोमीटर दूर एक ढोलछीना पड़ता है, उसके पास कसाड़ बैंड पड़ता है। कसाड़ बैंड पे पहले भी वहाँ, ये पहली घटना नहीं, उसके पहले भी वहाँ पे एक बड़ी घटना हो चुकी है, जिसमें लगभग 12-13 लोगों उसमें भी मृत्यु हुई थी। जो रोडवेज की बस थी वहाँ गिरी थी, क्योंकि बड़ा डेंजर जोन इलाका है वो। कल रात को जो ये घटना हुई है, तो लोगों का यही कहना है कि जो चालक था, चालक ने शायद उसमें अधिक शराब का सेवन कर रखा था, जिस कारण वो अपने ऊपर नियंत्रण नहीं रख पाया और गाड़ी की गहरी खाई में जाके गिर पड़ी। जी नसीम, जैसे कि आप कह रहे हैं कि यहाँ पर इससे पहले भी घटना घट चुकी है, ये खतरनाक इलाका है, ये कैसा इलाका है और वहाँ पर घटना क्यों घट जाती है? और ड्राइवर की जहाँ तक बात कर ली, जैसे कि आप कह रहे हैं कि वो नशे में था और यही वजह है कि वो नियंत्रण खो दिया और ये घटना घटी है, पूरा मामला बताइए उस इलाके के बारे में। जी, वो इलाका एक्चुअली में सबसे बड़ी चीज है कि वहाँ आपदा डेंजर जोन है, क्योंकि वहाँ पे आपदा एक उस समय बहुत पहले एक बड़ी आपदा आई थी, जिसको एक बस को लेकर के वो बस भी नीचे चली गई थी, जिसमें 12-13 यात्री, उसमें लगभग उनकी भी वहाँ पे मौत हुई थी। और वो एक बड़ा खतरनाक बैंड है, जिसको मोड़ना बड़ा टफ जैसा होता है ड्राइवर के लिए। नॉर्मल अगर आदमी भी अगर रूट में जाए तो गाड़ी काटना बड़ा अटपटा जैसा हो जाता है, लेकिन हम ये तो लोगों का, जैसे लोगों के दूसरा लोगों ने बताया कि चालक ने शराब पी रखी थी, तो शायद कहीं ना कहीं इसी कारण वो अपना नियंत्रण खो बैठा और गहरी खाई में जाकर गिर पड़ा, जिस कारण चार लोगों की वहाँ पे ऑन द स्पॉट मौत हो चुकी है। क्या ड्राइवर को गिरफ्तार किया गया है? ड्राइवर भी उसमें घायल है, मैं बताना चाहूंगा ड्राइवर भी उसमें घायल है, उसका भी बीच चिकित्सालय अल्मोड़ा में उपचार चल रहा है। और जो आठ लोग अन्य और लोग थे, उनमें से तीन लोगों की हालत काफी नाजुक बनी हुई थी, जिनको हल्द्वानी सुशीला तिवारी हॉस्पिटल पे यहाँ से कल रात ही रिफर कर दिया गया था। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो एक बार आपको फिर से बता दें कि शेराघाट क्षेत्र से अल्मोड़ा की एक बारात लेकर लौट रही मैक्स वाहन के खाई में गिर जाने से चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है, आठ लोग गंभीर रूप से जख्मी है। ड्राइवर शराब के नशे में था और नियंत्रण खो जाने के कारण 300 मीटर गहरे खाई में गिर गई ये मैक्स, जिसके बाद यह हादसा हुआ।